Hello student, myself Professor Ajay Yadav. In today's session we are discussing about hormonal control in male reproductive system. So male reproductive system is controlled by hormone. First is FSH hormone and second is ICSH. So first FSH, follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. And other is ICSH is interstitial stimulating cell stimulating hormone. Okay, so FSH hormone regulate the germinal epithelial cell. Okay, ये किसको कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है? जर्माइनल इपिथेलियल सेल को रेगुलेट करता है. वेयर एज ICSH मींस इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग लेडिंग सेल. किसको करता है? लेडिंग सेल को. एंड लेडिंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड्रोजीन. एंड एंड्रोजीन इज नथिंग बट मेल सेक्स हार्मोन. क्या बोलते हैं? मेल सेक्स हार्मोन. एंड दिस एंड्रोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी. सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एट द प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलपमेंट होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? एंड्रोजिन के वजह से होते हैं. सो दिस जर्माइनल इपिथेलियल सेल are two type. One is called as Sertoli cell and other is called as germ cell. Okay, so this germ cell undergoing meiosis division and form gamete. क्या करता है? गैमेट फॉर्म करता है बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहां पे क्या गैमेट फॉर्म होते हैं? स्पर्म फॉर्म होते हैं. तो स्पर्म फॉर्म बाय जर्म सेल एंड दिस सर्टोली सेल इज फॉर्म प्रोटीन. क्या करता है? फॉर्म करता है प्रोटीन. सो इट फॉर्म टू टाइप ऑफ प्रोटीन. वन इज कॉल्ड एज एंड्रोजीन बाइंडिंग प्रोटीन. सो दीज एंड्रोजीन बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड विथ टेस्टोस्टेरॉन. किसके साथ में होता है बाइंड? टेस्टोस्टेरॉन के साथ में बाइंड होता है. सो बाइंड विथ टेस्टोस्टेरॉन बाइंडिंग विथ टेस्टोस्टेरॉन ओके तो ये जो सर्टोली सेल होता है, सर्टोली सेल सिंथेसाइज प्रोटीन. वन इज कॉल्ड एज एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन एंड दैट एंड्रोजिन बाइंडिंग प्रोटीन इज बाइंड विथ टेस्टोस्टेरॉन. ओके, वो टेस्टोस्टेरॉन के साथ में बाइंड होता है. एंड अदर प्रोटीन इज नथिंग बट इनहिबिटर प्रोटीन एंड दिस इनहिबिटर प्रोटीन इनहिबिट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. क्या करता है? इनहिबिट द
फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन होता है उसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। कौन? इनहिबिटर प्रोटीन। और जो बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के साथ में बाइंड होता है। एंड सर्टोली सेल इज नथिंग बट नरिशमेंट सेल। क्या बोलते हैं? नरिश सेल बोलते हैं। क्यों नरिश सेल बोलते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल। ओके, देन नेक्स्ट इज प्यूबर्टी इन मेल। प्यूबर्टी इन मेल। सो व्हाट इज प्यूबर्टी? व्हाट इज प्यूबर्टी? सो प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स ऑर्गन बिकम फंक्शनल। क्या होते हैं? प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं, बिकम फंक्शनल। ओके, सो द एज ऑफ, व्हाट इज द एज ऑफ प्यूबर्टी इन द केस ऑफ मेल? सो द एज ऑफ 13 to 16 ईयर इज द प्यूबर्टी एज इन केस ऑफ मेल। तो मेल में क्या है, प्यूबर्टी एज 13 to 16 इज द एज ऑफ प्यूबर्टी। ओके, सो व्हाट इज चेंजेस अकर इन मेल इन द एज ऑफ प्यूबर्टी? सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबर्टी कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस और स्टार्ट। ओके, गैमेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बिगिन। ओके, देन सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कैरेक्टर डेवलप्ड एंड फंक्शनल। क्या हो जाते हैं उनमें? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं एंड वो अपना काम करने लगते हैं, मींस फंक्शनल हो जाते हैं। एंड थर्ड कैरेक्टर, व्हेन वी बिकम अ मैच्योर और प्यूबर्टी, इट मीन डीपनिंग ऑफ वॉइस टेक्स प्लेस। क्या होता है? डीपिंग ऑफ वॉइस। ओके, बिकॉज ओकल बॉक्स गेट्स एनलार्ज्ड। सो ओकल बॉक्स क्या हो जाते हैं, एनलार्ज होते हैं एंड इसके वजह से क्या होते हैं, हमारी जो आवाज होती है वो कड़क हो जाती है एज कंपेयर टू बच्चों से। ओके, देन इसके बाद में हेयर पैटर्न ऑन बॉडी पे जो हेयर ग्रोथ होता है वो होने लगता है, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड एंड हेयर्स ग्रोन ऑन द चेस्ट रीजन। तो ये क्या होता है, बियर्ड आने लगते हैं, देन हेयर ग्रोथ ऑन चेस्ट।
चेस्ट पे क्या होता है, बाल आने लगते हैं एंड बियर्ड डेवलपमेंट होने लगता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ प्यूबर्टी इज ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, तो हमारे शोल्डर भी ब्रॉड होने लगते हैं। फिफ्थ कैरेक्टर इज ब्रॉडनिंग शोल्डर्स, क्या होने लगते हैं, ब्रॉड होने लगते हैं। एंड लास्ट कैरेक्टर इज एनलार्जमेंट ऑफ एडम एप्पल, ये जो एडम एप्पल है ये क्या होने लगता है, एनलार्ज होने लगता है, विजिबल होने लगता है। सो एनलार्जमेंट ऑफ एडम एप्पल। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। ओके, सो इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल, इन द मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रोल बाय टू हार्मोन FSH एंड ICSH। FSH इज नथिंग बट फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, एंड ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट द जर्माइनल इपिथिलियल सेल। सो जर्माइनल इपिथिलियल सेल आर टू टाइप, one is germ cell and which this germ cell is responsible for formation of sperm, and other is Sertoli cell. So Sertoli cell synthesize or produce hormone. There is one hormone is nothing but androgen binding hormone or protein, and that protein bind with testosterone, and other protein is inhibitor protein. So these inhibitor protein inhibit the function of testosterone. Okay, and next is ICSH, means interstitial cell stimulating hormone, and this cell is regulated by leading cell. Okay, so leading cell is responsible for formation of androgen. किसके लिए होता है, एंड्रोजिन के फॉर्मेशन के लिए, मींस ICHS हार्मोन प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज मेल सेक्स हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर एट द प्यूबर्टी। सो व्हाट इज द प्यूबर्टी, सो प्यूबर्टी इज द पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मेल सेक्स ऑर्गन बिकम फंक्शनल। ओके, सो द एज ऑफ 13 टू 16 ईयर ओल्ड इज द प्यूबर्टी एज इन केस ऑफ मेल। सो व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सीन इन द एज ऑफ प्यूबर्टी, सो फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट। ओके, क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस चालू हो जाता है, मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ओके, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप एंड फंक्शन, तो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है वो क्या होने लगते हैं, हमारे अंदर डेवलप होने लगते हैं एंड वो फंक्शनल होने लगते हैं। एंड इसके बाद में डीपिंग ऑफ वॉइस क्या होता है, जब हम मैच्योर होने लगते हैं या प्यूबर्टी एज में आ जाते हैं तो हमारी आवाज चेंज होने लगती है, मींस वो क्या होने लगती है, कड़क होने लगती है, तो उस कड़क आवाज को क्या बोलते हैं, डीपिंग ऑफ वॉइस। वो किसके वजह से होता है, बिकॉज वोकल बॉक्स जो होता है वो क्या होने लगता है, एनलार्ज होने लगता है। देन नेक्स्ट इज हेयर पैटर्न ऑन बॉडी, तो हमारे बॉडी पे क्या होते हैं, हेयर्स ग्रोथ होने लगते हैं, मींस बियर्ड आने लगती है, एंड चेस्ट पे क्या होते हैं, बाल ग्रो होने लगते हैं। देन ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। एंड लास्ट इज एनलार्जमेंट ऑफ एडम एप्पल, सो हमारा एडम एप्पल एनलार्ज होने लगता है। सो ये सब कैरेक्टर है प्यूबर्टी के। ओके, थैंक यू।